विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाया भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों आज के सत्संग का आनंद लीजिए और भगवान से प्रीत बढ़ाइए। मेरे साथ साथ उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम कीजिए जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने अन्न उपजाया है, हमें खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है, पाला है, पोषा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ओ शांति शांति शांति। जय राधा माधव कुंज बिहारी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सब लोग आ जाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। 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 यशोदा धन धन तू माता देव की। धन धन तू माता देव की। जय गृह खेले श्री कमलापति। जय गृह खेले श्री कमलापति। धन धन वनखंड वृंदावन। धन धन वनखंड वृंदावन। धन धन वनखंड वृंदावन। जय खेले श्री नारायण। जय खेले श्री नारायण। जय खेले श्री नारायण। धन धन वो कृष्ण वेणु बाजे। धन धन वो राम वेणु बाजे। मधुर मधुर धुन अनहत गाजे। मधुर मधुर धुन अनहत गाजे। मधुर मधुर धुन अनहत गाजे। मधुर मधुर धुन अनहत गाजे।
धन धन मेघा रमावली, धन धन मेघा रमावली, धन धन मेघा रमावली, जय कृष्ण ओढ़े कामली, जय कृष्ण ओढ़े कामली, जय कृष्ण ओढ़े कामली, धन धन वन खंड वृंदावन, धन धन वन खंड वृंदावन, जय खेले श्री नारायण, जय खेले श्री नारायण, धन धन तू हे, धन धन तू माता देवकी, जिय गृह प्रगटे श्री कमलापति, जिय गृह प्रगटे श्री कमलापति, बैण बाजे गोधन चरे, बैण बाजे गोधन चरे, नामक स्वामी आनंद करे, नामक स्वामी आनंद करे, नामक स्वामी आनंद करे, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रजन रंजन, यशोदा नंदन ब्रजन रंजन, यशोदा यशोदा यशोदा, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव
राधा माधव कुंज बिहारी गोपियन मल्लर गिरिवर धारी गोपियन मल्लर गिरिवर धारी गोपियन मल्लर गिरिवर धारी गोपियन मल्लर गिरिवर धारी गोपियन मल्लर गोपियन मल्लर गोपियन मल्लर गिरिवर धारी यशोदा नंदन गजन रंजन यशोदा नंदन गजन रंजन यशोदा नंदन ब्रजन 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 रंजन जमुना तीराबन चारी जमुना तीराबन चारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल राधा माधव हरि हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल गोपाल माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्णा हरि हरि बोल राधे कृष्णा हरि हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरि हरि बोल राधे राधे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन मल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन मल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन मल्लभ गिरिवर धारी जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज आचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद एसी भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वृंदावन धाम की जय गौरी गौरताय की जय श्री मायापुर धाम की जय गंगा जमुना माई की जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय मथुरापुरी धाम की जय द्वारिकापुरी धाम की जय बद्रीनारायण धाम की जय रामेश्वरम धाम की जय अयोध्यापुरी धाम की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय गौर हरि गौर निताय की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय बोलो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जय गोविंद। मेरे बहन और भाइयों, बहुत सुंदर बात है कि आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं सत्संग में। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुन आध तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। सोई चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग कीजिए, लव मात्र साधु संग भव धर लीजिए। लव यानी क्षण। आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण उदय हो सकता है, सत्संग सुनते सुनते, सत्संग का आनंद लेते लेते, नाचते नाचते गाते झूमते झुमाते, कोई ऐसा क्षण उदित हो सकता है जो आप 100% भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ले लें, उनकी शरण में हो जाए, अपने जीवन को उनके चरणों में न्योछावर कर दें। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि साधु संग साधु संग साधु संग कीजिए, लव मात्र साधु संग भव तर लीजिए। साधुओं की मैं खाने में जो हरिनाम का नशा है वो कुछ ऐसा ही है, और जिसे इस नशे की आदत लग जाए, चस्का लग जाए, वो फिर सब नशों को तुच्छ करके त्याग देता है, चाहे वो मान का नशा हो, प्रतिष्ठा का नशा हो, या धन का या रूप का नशा हो, या मैं का या भंग गांजे चिलम का नशा हो, या रूप का नशा हो, ये सब नशे हरिनाम के नशे के सामने फीके पड़ जाते हैं। फिर फीके पड़े हुए नशों की तरफ देखता कौन है भला, आंख उठाकर। जिसको भक्ति रस वर्षा में स्नान करने का शौक लग गया, चाव चढ़ गया, वो भला छोटी मोटी तलाइयों में क्यों स्नान करेगा। यहां मूसलाधार बारिश हो रही है भक्ति रस की, प्रेम रस की, तो कोई क्षण आपके जीवन में ऐसा उदय अवश्य होगा। अभ्यास करते करते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करते करते आपका जो चित्त है ये श्री चरण कमलों को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जा सकता, एक दिन वो घड़ी आ जाती है, उसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। उसी समय आपके हृदय के अंदर पूर्ण श्रद्धा का जन्म होता है, प्रकट होती है करुणामयी श्रद्धा, प्रेममयी श्रद्धा। तो आइए आज के सत्संग में सबसे पहले मैं आपको श्री श्याम चालीसा सुनाने जा रहा हूं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर की ग्लोरिफिकेशंस में मैंने ही इसको तैयार किया है। चरण कमल वंदन कर गुरु के, चरण कमल वंदन कर गुरु के, कोटिन करूं प्रणाम, कृपा असीम दास पर कीनी, जना दिए श्री श्याम। मंगलकारी भव भयहारी आनंद कंद मुकाम, चरण कमल श्री श्याम के शीतलता के धाम। करूं कीर्तन श्याम का नाचूं फिर आज, कृपा बनाए राखियो श्री गुरुदेव महाराज। श्याम हरि हृदय बसो, हसो हसाओ मोय, तन मन धन अर्पण करूं
वरुण परम पति तोय। पति यानी रक्षक, भगवान अब सबके ही रक्षक हैं, उनके भक्तों के विशेष वो रक्षक हैं। श्याम शरण संतन सुखदाई, श्याम शरण बिन आनंद नाही। श्याम हमारे परम प्यारे, श्याम बिना सब रस हैं खारे। श्याम नाम जप श्याम मिलेंगे, परमानंद के धाम मिलेंगे। श्याम मित्र बन हृदय बसे हैं, श्याम ने सूरज चांद रचे हैं। बजे मुरलिया नाचे श्याम, कोटिन कोट श्याम के नाम। श्याम नाम जप धाम सिधारे, ध्रुव प्रहलाद श्याम ने तारे। श्याम बाम अंग राधा सोहे, नारद शुक सनकादिक मोहे। श्याम श्याम घन श्याम मुरारी, दैत्य असुर सेना संहारी। पुष्प पराग मोगरा चंपा, श्याम की हम पर है अनुकंपा। करो कीर्तन नाचो गाओ, सुंदर व्यंजन भोग लगाओ। श्याम नाम धर रसना भाई, तरी दीवानी मीरा बाई। श्याम दीवानी ब्रज की सखियां, श्याम लड़ाते जिन सग अखियां। जो जन माखन भोग चढ़ाए, श्याम स्वयं चल कर घर आए। तुलसी दल गल माला सोए, चरण सुदामा जी के धोए। जो जन जुगल चरण चित लाए, प्रेम पदार्थ श्याम सुपाए। जो जन ही हरि श्याम बसाए, अति सुख अति आनंद उपाए। अर्चन वंदन कर हरि चरणन, धरणी धर सिर कर जय जय मन। धरणी धर सिर कर जय जय मन, श्यामा श्याम सखी वृंदावन। गोकुल ग्राम यशोदानंदन, नंद गोधन और ब्रज बारेवन। मुरली 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 बजावत देव की नंदन। श्यामल गात मनोहर वाणी, हृदय विराजे राधा रानी। परम रूप परमेश्वर प्यारा, परम पिता है कृष्ण हमारा। माखन चोरा नंद किशोरा, बड़ो सलोनो ब्रज को छोरा। शीश मुकुट कानन में कुंडल, संग चले ग्वालन के मंडल। चुरा चुरा कर माखन खाए, गोपियन के चित चीर चुराए। इंद्र चंद्र सूरज और तारे, इनसे ऊपर कृष्ण हमारे। ब्रह्मा शिव सनकादिक सारे, करें श्याम के जय जयकारे। गल फूलन को हार विराजे, अदरन मुरली मोहन राजे। अदरन मुरली मोहन राजे, श्याम की बल दाऊ जी भैया। मैया कहती कृष्ण कन्हैया, वन वन जाए गाय चराए। हर पूनम महारास रचाए, जमुना कूद नाग को ना था। भेद श्याम का कोई नहीं पाता, ब्रजवनी तन संग खेले होरी। आनंद ले ब्रश भानु किशोरी, कभी रघुनंदन कभी यदुनंदन। कभी अयोध्या कभी वृंदावन, दीन दयालु परम कृपालु। तरे कृपा से बंदर भालु, गिद जटायु को अपना कर। दिया धाम निज गोद उठाकर, दिया धाम निज गोद उठा उठाकर। हे बनवारी कृष्ण मुरारी, लाज रखी द्रौपदी पुकारी। कुबजा आई शरण तिहारी, भवसागर से कर्मा तारी। जय हो श्याम तिहारी, चरणन में जाऊं बलिहारी। शंख नगाड़ी ढोल बजाऊं, करो कृपा तेरी शरण में आऊं। देवकी नंदन मदन गोपाला,
गल सोए वैजंती माला झूले झूले रास रचाए गुरु हर जाकर पढ़ कर आए ग्वाल भेष धर कर गए लीला रानी बन गई विप्र सुशीला माते यशोदा समझ न पाई कान मरोड़ा छड़ी दिखाई माते यशोदा समझ न पाई कान मरोड़ा छड़ी दिखाई श्याम के नाम अनेकों भाई वेद व्यास ने कीरत गाई ब्रज ग्वाल इनके घर घर जाकर नाच दिखाकर सींग दिखाकर पैंजनिया पावन झनकारे कोटिन काम आंख से मारे नंद बाबा की गाय चराई खाए पिए दूध मलाई परमाखन चोरी ना छोड़ी जहाँ देखी वहाँ मटकी फोड़ी राधे श्याम सकल के स्वामी स्वीकारो हरि सांख्य प्रणामी राधे श्याम सकल के स्वामी स्वीकारो हरि श्याम प्रणामी राधे श्याम सकल के स्वामी स्वीकारो हरि सांख्य प्रणामी सुंदर से सुंदर सखी सुंदर श्याम हमार उनके दर्शन के बिना जीना है धिक्कार चलो सखी कर उठा कर जोड़े उनको हाथ लाज शर्म किस बात की श्याम हमारी नाथ हंसिन बन हम उड़ेंगी जाएंगी उस देश वहीं ठिकाना करेंगी जहां बसे गोपेश चलो रे सखी देर करो ना आज सखियां भगवान की परम भक्त हैं परम मित्रा हैं जो ब्रज की गोपियां जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण हंसी मजाक किया करते थे उनके घरों में जा जाकर माखन चुराया करते थे कभी उनकी मटकी को फोड़ देते थे कभी उनकी कलाई मरोड़ देते थे उनके संग होली खेलते थे पिचकारियां भर भर के रंग की मारते थे कभी जमुना के किनारे गोपियां नहा रही होती थी जल में तो उनके चीर वस्त्र उठा करके छुपा देते थे और खुद भी छुप जाते थे बड़ी नटखट लीलाएं भगवान की ब्रजभूमि में भई इन्हें जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है वो श्याम के धाम का वासी बनने का अधिकारी बन जाता है ये परम लीलाएं हैं भगवान की जिन्होंने अपनी अनन्य प्रेमी आत्माओं के साथ भक्तों के साथ किया चाहे वो ग्वाल बाल हो चाहे गोपियां हो चाहे भक्त सुदामा हो या कर्मा भाई जैना भाई मीरा भाई हो संत तुकाराम जलाराम इत्यादि हो नरसिंह मेहता हो या श्री प्रभुपाद हो जो भी भगवान ने माधुरी लीला की है ब्रजभूमि में वो अत्यंत शोभनीय है अत्यंत मन को मोहित करने वाली है इन्हीं लीलाओं के दर्शन तो स्वयं शंकर को भी दुर्लभ है गोपियों के भाव बड़े ऊंचे हैं एक गोपी बड़ी आतुर हो रही है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनसे मिलने के लिए उनकी वाणी सुनने के लिए उनकी मुरली सुनने के लिए और अपनी दूसरी सखियों से कह रही है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गोकुल से चले गए थे द्वारकापुरी तब की बात है भगवान ने भेजा था उद्धव जी को कि जाओ उद्धव गोपियां मेरी विरह में तड़पती होंगी छटपटाती होंगी मैं उनको बोल के तो आया था कि मैं आऊंगा लेकिन वक्त आने पर ही मैं जाऊंगा अभी मुझे कुछ
जो कार्य है, मेरे उद्देश्य हैं वो पूरे करने हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को मिले कुरुक्षेत्र के प्रांगण में। हरे के वहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी जगह तंबू लगे हुए थे। जिन जिन तंबुओं में गोपियां ठहरी थी, ब्रजवासी ठहरे थे, सभी से मिले, सभी से गले मिले, सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करना, समय बहुत हो गया, मुझे लौटने में। कोई गोपी उतावले भाव में कह रही है, चलो रे सखी देर करो ना आज, चलो रे सखी पगला गई थी गोपियां। कभी कोई गोपी क्या कहती थी, कभी कोई क्या, चलो रे सखी देर करो ना, विरह अग्नि ऐसी प्रचंड होती है, जला देती है, पगला देती है, जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो आदमी बाहर निकलने के लिए ही पगला जाता है, बावला हो जाता है। कभी कोई अपनी कीमती वस्तु को उठाने दौड़ता है तो कभी खिड़की और दरवाजों की तरफ। चलो रे सखी देर करो ना आज, जान गए पिया हमारे, जान गए पिया हमारे, गोपियन के सरताज, चलो रे सखी देर करो ना आज, चलो रे सखी देर करो ना आज, जहाँ गए हैं मदन मुरारी, जहाँ गए हैं पिया हमारे, गोपियन के सरताज, चलो रे सखी देर करो ना आज, देर करो ना आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो रे सखी देर करो ना आज, चलो रे सखी देर करो ना आज, जहाँ गए पिया हमारे, जहाँ गए कृष्ण मुरारे, गोपियन के सरताज, चलो रे सखी देर करो ना आज, देर करो ना आज, देर करो ना आज। ये सखी तो सारे सोने श्रृंगार करके एकदम तैयार हो गई है जाने के लिए, और दूसरी सखियों को भी कह रही है चलने के लिए। अरे कैसे संभव है, कहाँ मथुरा वृंदावन और कहाँ द्वारिका, की नियर वनों को पार करना, जहां दहाड़ते हैं
गोपियों के बस के बाहर है, लेकिन प्रेम का भूत जो सवार है, कंजुगल लव, भगवान की प्रेममयी भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है, उसकी ऐसी ही हालत हो जाती है। चलो री सखी दिल करो ना, चूला चाकी काका काकी, चूला चाकी काका काकी, तज कर सारे काज, चूला चाकी काका काकी, तज कर सारे काज, तज कर सारे काज, तज कर सारे काज, तज कर सारे काज, चलो रे सखी देर करो ना, चलो रे सखी देर करो ना, जहां विराजे पिया हमारे, जहां विराजे कृष्ण मुरारे, गोपियन के सरताज, चलो रे सखी दिल करो ना आज, दिल करो ना आज, दिल करो ना आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, चलो रे सखी दिल करो ना आज। कान तरसते वेणु धुन को, कान तरसते वेणु धुन को, वेणु धुन को, वेणु धुन को, वेणु धुन को, कान तरसते, कान तरसते वेणु धुन को, 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 सुनने पिया की आवाज, 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 चलो रे सखी, चलो रे सखी देर करो ना आज, देर करो ना आज, जहां विराजे पिया हमारे, जहां विराजे कृष्ण मुरारे, गोपियन के सरताज, चलो रे सखी देर करो ना आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे हरे। चलो रे सखी देर करो ना देर करो ना जहाँ विराजे पिया हमारे जहाँ विराजे कृष्ण मुरारे गोपियन के सर ताज। चलो रे सखी पिया मिलन को आज चलो रे सखी देर करो ना आज। श्याम बलमवा सांख्य हमारे श्याम बलमुआ सांख्य हमारे श्याम बलमुआ श्याम बलमुआ प्राण से प्यारे श्याम बलमुआ प्राण से प्यारे श्याम बलमुआ प्राण से प्यारे श्याम बलमुआ प्राण प्यारे प्राण प्यारे प्राण प्यारे प्राण प्यारे श्याम बलमुआ प्राण प्यारे श्याम बलमुआ। ये सांख्य बीच में कहाँ से घुस गया है यार? श्याम बलमुआ डिस्कार्ड कर दो इसे प्लीज। श्याम बलमुआ प्राण प्यारे श्याम बलमुआ प्राण प्यारे श्याम बलमुआ प्राण प्यारे श्याम बलमुआ श्याम बलमुआ श्याम बलमुआ प्राण प्यारे या में कैसी लाज श्याम बलमुआ प्राण प्यारे या में कैसी लाज या में कैसी लाज या में कैसी लाज। चलो रे सखी देर करो ना आज चलो रे सखी देर करो ना आज देर करो ना आज देर करो ना आज जहाँ विराजे पिया हमारे जहाँ विराजे पिया हमारे कृष्ण मुरारे गोपियन के सर ताज। चलो रे सखी चलो रे सखी चलो रे सखी देर करो ना आज देर करो ना आज देर करो ना आज। ऐसे महाभाव में आकर के गोपियां मूर्छित हो जाती थी भगवान की यादें कर करके उन्हें मिलने के लिए बड़ी बेचैन होती थी। ये माधुरी लीला है ये भगवान की परम लीला श्रेष्ठ लीला है
परम लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला है। केवल इसे तो भक्ति भाव से ही जाना जा सकता है, और कोई माध्यम और कोई जरिया नहीं है इसे जानने का। भगवान श्री कृष्ण ने तीन ही प्रमुख रूप से उद्देश्यों को सामने रख करके और धराधाम पर देव की मां के प्रांगण में प्रकट हुए। सभी जानते हैं भगवान के इन तीन उद्देश्यों को, और भगवान ने कहा है कि मैं जहां जब भी प्रकट होता हूं ये तीन उद्देश्य मेरे सामने होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जिस पृथ्वी पर धर्म की हानि हो जाती है और असुरों की बाढ़ आ जाती है, अधर्म की बाढ़ आ जाती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। संभवामि युगे युगे, युगे यहां पर समय से तात्पर्य है, वक्त से, समय समय पर युगे युगे, सतयुग सत्य का समय, त्रेता युग त्रेता त्रेता का समय, द्वापर द्वापर का समय, द्वापर युग त्रेता युग, कलयुग कलयुग का समय, युग यानी समय। समय को चार डिविजन्स में विद्वानों ने बांटा है, शास्त्रों ने बांटा है, वेदों ने हमको सिखाया है। संभवामी युगे युगे, समय समय पर जब जहां जिस रूप की आवश्यकता होती है मैं प्रकट होता हूं उसी रूप से, लेकिन उद्देश्य तीन ही होते हैं मेरे सामने। परित्राणाय साधुना, साधु संतों की रक्षा करना, विनाशाय च दुष्कृता, और जो दुष्कृत बुरे कर्म खोटे कर्म नीच कर्म करते उन लोगों को संहारित करने के लिए, उनका संहार करने के लिए। धर्म संस्थापना अर्थ है, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। जब धर्म न्यूनतम रह जाता है या रहता ही नहीं, पूर्ण अंधकार छा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे, वो कलयुग का प्रारंभ जैसा ही था और द्वापर का अंतिम चरण था। उस समय धर्म केवल ऑलमोस्ट एक ही पांव पर खड़ा था। वेद हमारी मां है, वो हमको उपदेश करती है कि सतयुग में धर्म चार पांव पर खड़ा होता है, शत प्रतिशत। ये चार पांव कौन से हैं? क्लीनलीनेस यानी सफाई, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई, ऑस्टरिटी यानी तपस्या, और काइंडनेस दया। ये धर्म के चार पांव। संत तुलसीदास जी तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में 16वें अध्याय में कहा, दया भूतेश्वर, भूत प्राणियों पर दया कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़ियो जब तक घट में प्राण। दया धर्म की जड़ है। धर्म क्या है? आपका मूल स्वभाव ही धर्म है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही धर्म है। आपकी ओरिजिनल नेचर, जब आप सच्चिदानंद स्वरूप से, आत्मा स्वरूप से, भगवान से भिन्न हुए, अलग हुए पार्ट रूप से, टाइनी पार्ट, केशाग्रे शतभागस्य शतांश साध सात्मका, जीवा सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो हिचित्कणः। बाल की आगे की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा मात्र आप के अंदर, आप स्वयं आत्मा है, बड़ी सूक्ष्म, जो किसी दूरबीन टेलीस्कोप इत्यादि से नहीं देखी जा सकती। स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। वी ऑल आर अनलिमिटेड, संख्यातीत, असंख्य, चित चित्तकण, चित यानी इटरनल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदानंद कण, अनंत में, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत आत्माएं, प्रत्येक आत्मा इंडिविजुअल, पार्ट एंड पार्सल। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, ये जीव भूत जो है, जीव जो है, जीव नाम का पदार्थ जो है, आत्मा रूपी पदार्थ जो है, स्पिरिचुअल पदार्थ, मेरा अंश, ममेव अंश, अहम बीज पिता प्रदा पिता, मैं सीड गिविंग फादर हूं, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल, ये मेरी संतान है, मेरे अंश है, मेरे पार्ट एंड पार्सल है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और इटर्नल है, सनातन है, फॉर एवर। न एनम छिन्नती शस्त्रं, न एनम दहति पावकः, न च एनम कलेदयन्त्यापो, न शोष्यति मातुः। ये तो आत्मा जर हमारा अविनाशी है। अर्जुन, तुम इनको कैसे मार सकते हो? ये तो अजर अमर है। न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इनको तो शस्त्र अस्त्र छेदन भी नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो व्यर्थ में शोक कर रहा है। न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, और कोई भी प्रचंड ज्वाला इनको जला नहीं सकती। तू सोचता है कि मेरे पास अग्नि तीर है, अग्नि बाण है, मैं जला दूंगा, लेकिन ये पाप कर्म नहीं करूंगा। मेरे बाबा, मेरे गुरु, मेरे भाई, नहीं नहीं केशव, तो कैसे मारेगा इनको अर्जुन? न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम कलेदयन्ति आपो, और कोई तो जल ऐसा नहीं है जो इनको गला दे या गीला भी कर दे, आर्द्रता भी पैदा नहीं कर सकता। गीला करना और जलाना, गला देना तो बहुत बड़ी बात है। न च एनम कलेदयन्ति आपो, ना शोष्यति मारुता, और कोई भी प्रचंड तूफान, बेगवती वायु, 49 वायु भी चले तो भी इसको सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा अंश है, इटर्नल है, सत्चिद आनंद, आनंद स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है। एवं
आध्यात्मिक है, इटर्नल है, मेरा अंश है। इसलिए तो लॉर्ड जीसस कहते हैं वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर वन फैमिली। हम भी यही कहते हैं वासुदेव कुटुंब सर्वम, सभी वासुदेव भगवान का कुटुंब है। लेकिन कह देना मुंह से और उसको सही हृदयंगम कर लेना कि जब एक ही कुटुंब है तो फिर कलेश और झगड़े और बम्बा अटे तबाह कर देना एक देश दूसरे देश को, ये क्यों? नहीं कह देने से काम नहीं चलेगा। कि जीसस सेड कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इफ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड देन वी शुड लव ईच अदर, वी शुड शेयर ईच अदर आवर लव, आवर लैंड, आवर फूड, आवर नॉलेज, वी शुड लव ईच अदर, लव इज गॉड। मैसेज ऑफ जीसस, लव इज गॉड। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, क्षमा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हम क्षमा करें, जहां कोई क्षमा कर देता है किसी को वो भगवान का ही स्वरूप है क्षमा। जहां क्षमा तहां आप, गुरु नानक देव भी यही कहते हैं, जहां क्षमा है वहां स्वयं भगवान प्रकट है, और भगवान का स्वरूप है। किसी ने किसी को क्षमा कर दिया, ये साक्षात भगवान का ही आदान प्रदान कर दिया। क्षमा दान को सबसे बड़ा दान कहा है, दया दान को भी, दया भूतेश्वर लोलुप्तम। जीवों पर दया कीजिए, लिव एंड लेट लिव, आप जियो और उन्हें भी जीने दो। लव इज गॉड, हु एंड हाउ मच लव पीपुल इवन डोंट लव देयर ओन वाइफ और फैमिली। Why? Your lack of knowledge, lack of devotion, lack of God. भगवान की कमी है हमारे मन और मस्तिष्क में। भगवान के इंस्ट्रक्शंस को हम शिरोधार्य नहीं करते। बाइबल भी वही टीचिंग दे रही है जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, लेकिन कौन फॉलो करे? कुरान भी कुछ सिखा रही है, उस अल्लाह के घर का परवान दे रही है कि अल्लाह है और उसे पाने के लिए प्रेम जरूरी है। प्रेम के बिना किसी का भला नहीं है। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला, लव। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को उपदेश करते हुए किंग परीक्षित को कह रहे हैं कि भगवान के चार स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप है भगवान, प्रेम स्वरूप है वो, प्रेम की मूर्ति पहले नंबर पर दिया, दूसरे नंबर पर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्कूल यूनिवर्सिटीज का ज्ञान नहीं, स्पिरिचुअल ज्ञान, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रिलाइजेशन, ये ज्ञान अनुभव, ज्ञानी पुरुष जिनको कहा है बुद्ध पुरुष, ये ज्ञान है।
गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये ज्ञान के भंडार है। रियलाइज्ड सॉल है श्री प्रभुपाद, अनेक विवेकानंद, रामकृष्ण, परमहंस, भक्ति विनोद ठाकुर, ये ज्ञान के भंडार है। परमात्मा इनके, परमात्मा की छवि है, मूर्ति है, ज्ञान, क्षमा, क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात, का विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। भगवान विष्णु ने एक ऋषि भृगु जी को, जिन्होंने भगवान को लात मारी थी कस करके सीने में, उन्हें भी क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और पूछा कि मेरे भगवान, आप प्रणाम कर रहे थे, मेरा ध्यान कहीं अन्यत्र जा रहा था, मेरे एक भक्त की ओर, मुझे क्षमा करना, मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए मैं आपके प्रणाम करते समय अटेंशन नहीं दे सका, लेकिन आपने जो मुझे कसकर लात मारी है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई है, मैं जरा दबा दूं, मेरा हृदय इतना वज्र है और आपके चरण कितने कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी प्रभु जी महाराज। भगवान ऐसे ऐसे बड़े महान नीचों को, पापियों को क्षमा कर देते हैं, और क्षमा ही नहीं करते, अपनी शरण में बोल देते हैं कि आओ। भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता माता को रावण ने चुरा लिया, उसको धमकाया, ललकारा, भय दिखाया कि मेरी बन जा, उसको भी क्षमा करके अपना धाम दे दिया, कंस को भी अपना धाम दे दिया, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लाखों प्रयत्न किए, वो क्षमावान है। तो हमारे अंदर जितना कृष्ण तत्व अधिक होगा, कृष्ण प्रेम अधिक होगा, उतने हम भी क्षमावान होंगे। जब प्रेम ही नहीं है, जब भगवान ही नहीं है हृदय में, मन में, मस्तिष्क में किसी के, तो प्रेम कहां से प्रकट होगा? प्रेम कहां से प्रकट होगा? प्योरिटी है नहीं, प्योरिटी कवर्ड है। आप के ओरिजिनल स्वभाव में सभी गुण विद्यमान है, आपकी ओरिजिनल नेचर में, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, जब आप सच्चिदानंद स्वरूप से आत्मा, आपकी जो कॉन्शियसनेस थी कभी, आज भी है, पेवरेस्ट है, ले कवर्ड है, ढकी हुई है, उस पेवर भावना के ऊपर, वो पवित्र भावना के ऊपर संसार के जन्म जन्म के रंग चढ़ गए, धूल जम गई है, मैल जम गया, जम गया है, जैसे किसी सुंदर मिरर के ऊपर धूल चढ़ जाए, तब चेहरा देख सकते हैं, अब नहीं देख सकते। ऐसे ही अंधकार में जीवन जीने वाले व्यक्ति ना भगवान को जान पाते हैं, ना उनके भक्तों को, उनके भक्तों का भी वो निरादर करते हैं, गाली बकते हैं उनको, या डंडा मार के भगा देते हैं आंख दिखा के। क्यों? क्योंकि अंधकार में है, उनके प्योर भावना के ऊपर कालिक उत गई है, काला रंग चढ़ गया है, अब दिखता नहीं, निरांध अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अब पता नहीं कहां, किस कुए खाई खड्डे में पड़ेंगे, या किसी दुर्गति को प्राप्त होंगे, कौन जाने। भगवान की सेवा किसी की भावना पर नीला रंग है, किसी की भावना पर
थोड़ा हल्का नीला है, कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं सफेद है, लेकिन रंग है। इस संसार के जन्म जन्म के रंगों को हम लेकर के और आगे की जिंदगी शुरू कर देते हैं। ये रंग या धूल या मैल, इसको ही झाड़ने की या उतारने की आवश्यकता है, धो डालने की आवश्यकता है। अगर इसको धो डालें, इस चढ़े हुए रंग को या मैल को, तो हमारी भी चादर निर्मल हो सकती है। हमारी चादर में जो तरह तरह के रंग चढ़ गए हैं, हमारी भावना रूपी चादर में, उस वापिस निर्मल हो सकती है, क्रिस्टल क्लियर हो सकती है, स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी हो सकती है। उस अवस्था में इस ओरिजिनल मूल स्वभाव के अंदर हम पहुंच सकते हैं। हमारी मूल भावना में सारे गुण विद्यमान हैं, सारी डिवाइन क्वालिटी छुपी हुई हैं, वह प्रेम भी छुपा हुआ है, दया भी, क्षमा भी, दान भी, यज्ञ भी, तप भी, तेज भी, अभयता भी। भगवान श्री कृष्ण ने डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन किया है भागवत गीता में, दैवी संपदा और आसुरी संपदा का उपदेश किया है अर्जुन को 16वां अध्याय। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जुन अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर अपैशनम दया भूतेश्व अलोलुप्तम मार्दवम हिरीर चापलम तेज क्षमा धृति ही शोचम ऐद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत। इसमें सब गुण है। इस मूल स्वभाव को ही आप सबके पास वो मूल स्वभाव है, कवर्ड है। जो सूर्य को घने बादल चढ़ ढक लेते हैं, ठीक वैसे ही जो काले काले बड़े बड़े डरावने बादल आसमान में चढ़ते हैं, तब सूर्य लुप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन में ही रात हो गई, क्योंकि सूर्य नहीं दिखाई देता, अंधकार हो जाता है। यदि इन बादलों को हटा दिया जाए छुमंत्र से, छुमंत्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, यह आपके सारे बादलों को हटा सकता है। यह परम सत्य है, चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेश है। श्रील प्रभुपाद के व्याख्यान है, महापुरुषों की बोली है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कोई मार्ग नहीं है, कलयुग हरि का नाम। सतयुग में हो सकता है ध्यान से भी हरि को प्रसन्न कर लेते हैं लोग, लेकिन अभी ध्यान करने के लिए ये कलयुग, ये कंप्यूटर और फिल्मी जगत, मोटरों की आवाजें, चीख पुकार, ये आपको ध्यान में नहीं बैठने देंगी। कि आप भगवान परम विष्णु के चरण कमलों का ध्यान कर सके तो कोई बात नहीं, कलयुग में मार्ग निकाले हैं, मार्ग हैं कि उसका कीर्तन करो, सदैव कीर्तन करो, कीर्तन या सदा सदैव हरि का कीर्तन करो, गोविंद का कीर्तन करो। तो ये बादल हट सकते हैं तो आप अपने मूल स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं, और जितने अधिक इन बादलों को हटाओगे
उतनी ही आपका भावना शुद्ध होगी, और जितनी भावना शुद्ध होगी उतनी ही आप आनंद का अनुभव करोगे, सच्चे आनंद का, झूठे आनंद का नहीं। जिसे समझ लिया है लोगों ने कि कार में फुदक के बैठ जाना आनंद आ गया, या एरोप्लेन में उड़ जाना आनंद आ गया, या आइसक्रीम का खा लेना आनंद आ गया, या कोई रूपवान औरत का संपर्क कर लेना आनंद आ गया, या बलिष्ठ मर्द बस, ये झूठे आनंद है, ये क्षणिक भी है और झूठे भी है, काल्पनिक है, स्वप्न है, स्वप्नवत है। जैसे सपने में आपको कोई रसगुल्ले खिला रहा हो और आप खा रहे हो, बहुत आनंद ले रहे हो, लेकिन आंख खुल जाए तो पता चले घर में दो रोटी बनाने के लिए आटा भी, तो कितना वो सपना किस काम क्या। ऐसे ही हमारा जीवन एक सपना है, लंबा है, 60-70 साल का है, लेकिन सपना है। रात का सपना घंटे दो घंटे चला था, लेकिन ये 50-60 साल चलेगा, लेकिन सपना है। जिसे अपना कर बैठे हो, कुछ भी तो अपना नहीं है, तो फिर सपना ही है, ये सपना है। जो मैं और मेरा की अकड़ में जकड़े हो, ये व्यर्थ है, ये सपना है, छूट जाए। सिकंदर को एक फकीर मिला था, उसने कहा सिकंदर, बोलो क्या बात है, बोलो आप अभी उम्र ज्यादा हो गई है, आप अल्लाह के धाम जाने वाले हैं, मेरा एक काम कर दोगे। बोलो क्या काम करवाना चाहते हो, बोलते कि मेरे अल्लाह मियाँ की टोपी थोड़ी फट गई है, तो ये सुई और धागा मैं आपको देता हूं, इसको ले जाना आप जब जाओगे। सिकंदर गुस्सा हुआ एक क्षण के लिए कि कैसे मूर्खता भरी बातें करता है, कि मरने के उपरांत आदमी सुई कैसे ले जाएगा। बोलो सिकंदर, बात तो तुमने कांटे की है, लाख रुपए की है, ये तो तुमको मालूम है कि मरने के उपरांत आदमी सुई भी नहीं ले जाता, तो जीते जी ये लोगों को क्यों तकलीफ देते हो, क्यों टॉर्चर करते हो, क्यों अटैक करते हो दूसरे गांव पर, शहरों पर, देशों में जा जाकर। कहते हैं कि सिकंदर ने कब्र खानों को तोड़ तोड़ के और उनमें मुर्दे के साथ जो कॉइन रख देते थे उसको भी निकलवा के अपने खजाने में जमा कर दिया था, विश्व का सबसे महान आदमी बनने के लिए। लेकिन फकीर की बात नहीं भूला जीवन भर जब तक जिया, और जब मरने लगा तब जाके अपने मंत्रियों को बोला था कि मेरे हाथ जब मुझे शमशान घाट ले जाया जाए दफनाने के लिए, तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना दोनों हाथ। मंत्रियों ने कहा कि हुजूर ऐसा तो रिवाज नहीं है, ताबूत से बाहर हाथ तो किसी के भी नहीं निकाले जाते, सारा शरीर ताबूत के अंदर होता है, बक्से के अंदर। बोल नहीं, तुमने जीवन भर मेरा कहा माना है, ये भी मेरा कहा मानना और मुझे बीज बाजारों से ले जाना ताकि सभी लोग देख सकें कि सिकंदर जा रहा है खाली हाथ जा रहा है, तो औरों को भी नसीहत मिले, शिक्षा मिले। जाते जाते कुछ करोड़ों रुपए की बात सिकंदर बोल गया। हम अपना अपना करते हैं सपने को, सपना ही है, हम कहते हैं मेरा है, मैं हूं। ये अहंकार को बलिष्ठ बनाने के लिए, अपने मैं को बलिष्ठ बनाने के लिए आदमी मेरा मेरा करता है, मैं हूं, मेरा है, हम इतने हैं, हमारा इतने बड़ा मकान, हमारे इतने बड़े धन, हमारा इतनी कारें, हमारे इतनी जमीन, हम, अरे हमसे कौन टक्कर ले सकता है, ये मैं और मेरा। गुरु नानक देव जी की जीवन की बहुत सुंदर गाथा है, कथा है। एक दिन पिताजी कहीं गए
तो उनको दुकान पर बैठा गए कि ग्राहकों को सामान तोलना। गुरु नानक ने कहा ठीक है। उस समय गुरु नानक जी ज्यादा उम्र के नहीं थे, थोड़ी अवस्था थी, 12-13 वर्ष के होंगे। कोई व्यक्ति आया कि भैया मुझे धान चावल चाहिए, ले लो जी। तो तोलने लगे तो एका है जी एका, दोआ है जी दोआ, तीना है जी तीना, ऐसे करके तोलते थे पहले पुराने जमाने में तक्खड़ से, बांटों से। जब 13 का अक्षर आया, 13 है जी 13, 13 है जी 13, 12 के बाद 13 है, 12 है जी 12, 13 है जी 13, 13 है जी 13, बस उधर ही उनका हाथ रुक गया। एक 12 वर्ष के बालक का हाथ रुक गया कि 13 है जी 13। बोलो भाई तोलते क्यों नहीं, मुझे तो 20 किलो चाहिए। बोलो भाई अभी 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 तोलने की आवश्यकता नहीं है, जब 13 ही है सारा और तू ही तू है, तो लेने भी आया वो भी तू ही है, और ये जो लेके जो वस्तु जा रहा है वो भी तेरा ही है, तो फिर बीचों में ये तोलने क्यों बैठू। भैया वो बोरियां पड़ी, जितना चाहिए चाहे बोरियां उठा के ले जाओ, तोलने की आवश्यकता नहीं, और कुछ पैसे ऐसे भी देने की जरूरत नहीं, ले जाओ। और इसके बाद तो जो भी ग्राहक आया, जो भी कुछ मांगता था बदल ले जाओ, लोग ले जाते थे कि बड़ी कोई खुशी पैदा हुई होगी, क्या बात है। कोई कोई लेकिन गुरु नानक जी के हृदय में ज्ञान प्रकाश हो गया, फिर उन्होंने जीवन भर उस परमात्मा के गीत गाए, मर्दाना को साथ रखा, उनके एक शागिर्द को, मित्र को, और दोनों जहां भी निकले, विश्व भ्रमण पर भी निकले, मुसलमानों के देशों में गए, सब जगह गए, वहां उसी के गीत गाए। जब भी कोई प्रश्न करता कि वो है, तभी वो मर्दाना छेड़ वो बस गाने गा गा के ही लोगों को समझाते थे। गुरु नानक देव ने बहुत गीत गाए प्रभु की, हरि हर नाम जपन त्या किछन कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल, सांस सांस सिमरूं गोविंद मन अंदर की उतरे चिंद। नानक देव जी के शब्द है, एकम कृष्ण सर्व देव देवात्मा, आत्मा वासुदेवस्य जाको जाने भेव, नानक ताका दास है सोही निरंजन देव। एकम कृष्ण सर्वदेव देवात्मा, भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर रूप से उन्होंने जाना, भगवान परमेश्वर है, उनसे ऊपर कोई नहीं, परम शक्तिवान। गुरु नानक जी ने कि लोग कभी आने वाले समय में भ्रमित न हो, उन्होंने उसको सटीक किया। एकम कृष्ण सर्वदेव देवात्मा, आत्मा वासुदेवस्य, जो भगवान जो 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 कृष्ण वासुदेव जी के पुत्र बनकर आए वो कृष्ण। गुरु नानक जी कहते मैं किसी और कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जो आत्मा वासुदेवस्य, जो वासुदेव की आत्मा थे, पुत्र थे। जाको जाने भेव, उनका भेद कौन जान सकता है, कोई नहीं। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव, वही निरंजन देव है जो ये भौतिक चक्षुओं से नहीं दिखाई देते, वो तो ज्ञान चक्षु से ही दिखाई देते हैं। सोई निरंजन देव वही साकार है, वही निराकार है, नानक ताका दास है। तो हमारा हमारी भावना
जब निर्मल हो जाती है तब हमारी भावना के अंदर सारे दिव्य गुणों का समावेश है और मौजूद है, जिनको डिवाइन क्वालिटीज कहो या दैवी संपदा कहो या दिव्य गुण कहो, स्पिरिचुअल गुण क्वालिटीज, आध्यात्मिक गुण, वो सब विद्यमान है। हम दयावान हैं, क्षमावान हैं, धैर्यवान हैं, तेज है हमारे अंदर, हम निडर हैं, अभय हैं। हमको भय क्यों लगता है? क्योंकि हमारी भावना गंदी है। चोर क्यों डरता है? डाकू क्यों डरता है? आतंकी क्यों डरता है? क्योंकि भावना गंदी है। भ्रष्टाचार फैलाने वाला व्यक्ति क्यों डरता है? भावना गंदी है। पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, ये क्यों डरते हैं? कि भावना गंदी है। गंदी भावना डरेगी, भयभीत होगी, लेकिन जिसकी भावना शुद्ध है, निर्मल है, वो निडर है, वो अभय है। सत्व संशुद्धि, उसी का अंतःकरण शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्यम अहिंसा सत्यम एकरोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम हिरिर्चापलम तेज क्षमा धृति शोचम ऐद्रो न अतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। ये जब आत्मा का जन्म हुआ, भगवान ने जो इस आत्मा को प्रकट किया है अंश रूप से, अपने अंश रूप से, तब ये सारे गुण, सारे दैवी संपदा इस आत्मा के साथ थी, इसकी भावना में थी। अब कैसे, कहां गई? क्योंकि ये धीरे धीरे भोग विलासों में उतर गई, मन रूपी गाइड को साथ में लेकर के। मन जिधर इसको ले गया, उधर ये जाती फिर, और ये धीरे धीरे भोग विलासों की धूमिलता के बादल, धूल धूषित बादलों ने इसको ढक दिया, इस पवित्र आत्मा को, पवित्र भावना को। अब इसको धुंधला दिखता है, किसी को दिखता ही नहीं, किसी को धुंधला दिखता है, किसी को एक आंख से दिखता है, दूसरी से नहीं दिखता, काना है। नहीं, ये अगर धूल को झाड़ दिया जाए तो आप सभी सच्चिदानंद आत्मा, शुद्ध बुद्ध पुरुष हैं, और आप निर्मल, क्रिस्टल क्लियर आपकी भावना हो, उसी को धर्म कहा है। उस धर्म को, उस पवित्रता को, उस पवित्र भावना को पाने के लिए ही हम जो और दूसरे पूर्ण कर्म करते हैं, इनको भी कभी कभी धर्म कह के बोला गया है। कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं पूर्ण कर रहा हूं, मैं दयावान हूं, गायों को हरी घास खिला रहा हूं, पक्षियों को चुग्गा डाल रहा हूं, चैरिटी दे रहा हूं, आंखों के अस्पताल बनवा रहा हूं, मैं धर्म कार्य करता हूं, मैं पूर्ण कार्य करता हूं। क्यों? क्योंकि इस मेरी भावना के ऊपर जो रंग जम गए, इनको धो डालने के लिए मैं निर्मल होना चाहता हूं। ये पूर्ण कार्य मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे स्वर्ग लोक के सुख मिले। यहां के भोगों ने मुझे इतना लपेट दिया तो फिर स्वर्ग में तो बहुत अधिक भोग विलास है। देवताओं के पास ये धरती के भोग विलासों से बहुत अधिक भोग सामग्री है, वहां से तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उस परमात्मा की याद में, उस परमात्मा को लक्ष्य बना के, उस परमेश्वर को लक्ष्य बना के कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को रिझाना है, प्रसन्न करना है, उसके धाम को जाना है, यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का, तभी वो पूर्ण कर्म करता है। वो सब अपनी
पवित्र भावना को प्राप्त करता है, पवित्र भावना उसको प्राप्त हो जाती है, ओरिजिनल नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन उसको मिल जाती है, फिर वो सच्चिदानंद स्वरूप से त्रिकालदर्शी की तरह उस परमेश्वर के प्रेम में पागल हो उठता है, नाचता है, गाता है, हंसता है, खिलखिलाता है, कभी रोता है, रुदन करता है, कभी सोता है, कभी जागता है, कभी नहीं सोता, कभी नहीं जागता। महाभाव में मूर्छित हो जाता है, कुछ ऐसे शब्द बोलता है कि कोई समझ ही नहीं पाता, प्रभु से बातें करता है। एनीवे, समय थोड़ा है आज की तारीख में इस सत्संग के लिए, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि भगवान के पवित्र नामों का जप करने से, कीर्तन करने से, उच्चारण करने से आपकी भावना पवित्र होती है, आप पवित्र होते हैं, आप सच्चे आनंद के अधिकारी होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र महामंत्र नारद जी की वीणा पर भी होता है, मीरा के एक तारे पर भी होता है, चतुर कुमारों के हृदय में होता है, ब्रह्मा जी के ध्यान में यही मंत्र चलता है। ये मंत्र आपका कल्याण करने के लिए इस धरती पर है, आज है, संतों के हृदय में, संतों की जुबान पर, शास्त्रों में, इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सत्संग करने वाले थे आज हम सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पर थोड़ा रुक गए, सत्संग करने वाले थे आहार के ऊपर, आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसकी स्मृति ध्रुव अचल अटल हो जाती है। कौन सी स्मृति? ये स्मृति नहीं कि मैं 6 वर्ष का था तब क्या कर रहा था, क्या करता था, नहीं। यहां ध्रुव स्मृति का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था में उस परमेश्वर को नहीं भूलना, उस भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलना, दुख में हो, सुख में हो, मान में हो, अपमान में हो, महलों में हो, झोपड़ी में हो, या पेड़ के तले हो, दुख में, सुख में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, भूख में, प्यास में, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में उस प्रभु को ना भुलाना, ये ध्रुव स्मृति है। चाहे मृत्यु ही सामने आ गई हो, शरीर छूट रहा हो, तब भी नहीं भुलाना, और कोई जन्म एक और लेना पड़े तब भी नहीं भुलाना, वो गोविंद का स्मरण करना, ये ध्रुव स्मृति है, मोक्ष हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आहार के लिए बहुत सुंदर 7वें अध्याय में कहा है, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं श्रुं। हे अर्जुन, आहार भी सभी को प्रिय है अपनी अपने स्वभाव के अनुसार। सात्विक स्वभाव वाले पुरुष को भी आहार सात्विक प्रिय है, राजसी स्वभाव वाले को राजसी आहार प्रिय है, और तामसी स्वभाव वाले को तामस आहार प्रिय है। इसी प्रकार से यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ तप और दान इनमें भी भेद है, इसको भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा, सुनना, इसे भी सुन। तेसाम भेदम इमम सुनू, इसे भी सुन। ये तो बड़ी चर्चा है, समय चाहिए। चलो 2 मिनट के लिए भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, और समय हो रहा है इसलिए हम आगे
फिर दूसरे सत्संग में आपसे मिलेंगे अवश्य मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गोपाल। बस अगले सत्संग में फिर आपके दर्शन होंगे सभी के, सब ज्यादा अपने मित्रों को बुलाइए जरूर बताना। जय गोपाल। ये तुलसीदास जी, प्रभु आप सबको सूचना देना कहाँ पर अगला सत्संग है हमारा। जय गोपाल जी।